नमस्कार दोस्तों, नई उड़ान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एम्स कल्याणी के बारे में जानेंगे कि वहाँ कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, किस किस दिन वो डॉक्टर बैठते हैं और कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं, और ओपीडी में दिखाने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होता है या ऑफलाइन, कैसे पहुँचना होता है कल्याणी एम्स वो भी देखेंगे और आपको पूरा कैंपस एक बार घुमा के भी दिखाएंगे। कल्याणी एम्स में एंटर करने के लिए दो गेट हैं, एक गेट जो अभी आप देख रहे हैं और एक गेट ठीक इसके दाईं ओर एक बड़ा सा गेट है जहां से आप गाड़ी लेके अंदर एंटर कर सकते हैं। इसके सामने कुछ नई बिल्डिंग्स बन रही हैं जहां पर बहुत सारी दुकानें, शॉपिंग मॉल, आपके रहने के लिए होटल्स और मेडिकल स्टोर्स खुलने वाले हैं। तो चलिए हम इसके अंदर जाते हैं। जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपको ओपीडी बिल्डिंग दिखती है, फिर उसके बगल में आपको आईपीडी बिल्डिंग दिखेगी, फिर उसके बगल में मेडिकल कॉलेज है, फिर उससे थोड़ा सा अब और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह है और उसके पीछे कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। 2015 में केंद्र सरकार द्वारा पास्ड एक बिल में कल्याणी एम्स की स्थापना की बात कही गई। 2019 के बाद लगभग 2020 में ये बनकर तैयार हुआ और 2021 से इसका ओपीडी चालू हुआ। यहाँ पर कुल 125 एमबीबीएस की सीटें हैं और लगभग 60 के आसपास नर्सिंग की सीटें हैं। 180 एकड़ में फैला ये कल्याणी एम्स, जो बंगला में 290 बीघा के आसपास होता है, इसमें कुल 960 बेड हैं जिसमें पेशेंट्स को भर्ती किया जा सकता है, लेकिन अभी ये फुली ऑपरेटेड नहीं है, फिलहाल कुछ ही सीट्स में पेशेंट्स को भर्ती किया जा रहा है। चलिए अब हम ओपीडी की बात करते हैं। ओपीडी में डॉक्टर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक बैठते हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन आपका 8 बजे से चालू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के दो तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन तरीका है जिसमें आप एप्लीकेशन होता है एम्स कल्याणी स्वास्थ्य नाम करके, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप फ़ोन कर सकते हैं, एक नंबर होता है 0332951600 इस पर कॉल करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ओपीडी के लिए। अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्टर कौन कौन से फ्लोर पर बैठते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर बैठते हैं कार्डियो थोरासिक वास्कुलर सर्जरी, मंडे वेंसडे फ्राइडे यानी सोमवार बुधवार और शुक्रवार को, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सारे दिन बैठते हैं। सेकेंड फ्लोर पे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनोकोलॉजी, ये मंडे टू फ्राइडे ये डॉक्टर बैठते हैं यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। फिर ENT यानी आँख नाक और थ्रोट यानी गले के लिए जो डॉक्टर हैं वो आपके मंडे टू फ्राइडे बैठते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी, वो भी मंडे टू आपको फ्राइडे बैठते हैं। फिर जनरल सर्जरी मंडे टू फ्राइडे, सेकंड फ्लोर पे सारे डॉक्टर बैठते हैं। फिर थर्ड फ्लोर पे आपका है जनरल मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी, साइकियाट्री, डर्मेटोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, ये सारे के सारे डॉक्टर मंडे टू फ्राइडे बैठते हैं, सिर्फ न्यूरो सर्जरी को छोड़कर जो कि सिर्फ मंगलवार को और बृहस्पतिवार को बैठते हैं। और पे आपका इंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के डॉक्टर बैठते हैं मंडे टू फ्राइडे, सिर्फ बुधवार को छोड़कर। फिर आपका यूरोलॉजी है मंडे यानी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। फिर ऑर्थोपेडिक्स है आपका मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार सारे दिन बैठते हैं। अब हम चलते हैं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। ये जो आपका कैंपस है ये NH 34 यानी नेशनल हाईवे से कुछ ही किलोमीटर अंदर, लगभग 2-3 किलोमीटर अंदर है, और रेलवे स्टेशन से कल्याणी रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर अंदर है। आप दोनों जगह से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप कल्याणी रेलवे स्टेशन से उतरेंगे और उतरने के बाद 3 नंबर प्लेटफॉर्म के जस्ट अपोजिट में आपको ऑटो मिलेगी या मैजिक मिलेगी। आप वहाँ से 20 रुपये किराया देकर कल्याणी एम्स पहुंच सकते हैं। और अगर आप NH 34 से आते हैं यानी नेशनल हाईवे से आते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आप किसी से भी पूछ लीजिए एम्स मोड़ कौन सा है, एम्स मोड़ से लेफ़्ट ले लीजिए। अगर आप कोलकाता से आ रहे हैं, कोलकाता से कल्याणी एम्स की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जिनको ज़रूरत है उनको बताएं, और इसी तरह की वीडियो आगे भी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस करें। धन्यवाद।